आज आप लोग गैदरिंग करते हुए दिखा दे रहा है जी। आज का गैदरिंग का डिसीजन क्या है? नहीं, आज का गैदरिंग का ये डिसीजन है कि हम लोग ऐसे आगे का रणनीति कैसे बनाया जाए उसका बारे में हम चर्चा करने आए हैं। विशेषकर जैसे कि आपका 18 को फिर हियरिंग है शायद, और सुना है फिर आगे अपील होगा। मेरा पास कोई सबूत तो नहीं है, आगे अपील होगा ये सुना गया है, लेकिन हम चाहता है कि आगे अपील होगा तो हमारा रणनीति भी आगे अच्छा होने के लिए हम यहाँ डिस्कशन के लिए आए हैं। क्या चीज़ के लिए अपील होगा? जैसे कि डिवीज़न बेंच जा सकता है, तो जाने से हम भी अपना हिसाब से यहाँ पर कैसे आगे फॉर्मेलिटीज है और क्या क्या करना चाहिए आपस में, ये चीज़ बात करने के लिए आया है। डिवीज़न बेंच में कौन जा सकता है? ये तो मुझे मालूम नहीं, सुनने में आया है शायद APSS जाएंगे सुना था, लेकिन इसका बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, बस ये सुना गया है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमिटी छानबीन करने के बाद कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेगा जी। अगर कोर्ट ने ऐसा प्रोनाउंस किया है, वो प्रोनाउंसमेंट को आप अच्छा नहीं लगा तो तब आप क्या करेगा? हम लोग पार्दर और जाएंगे। कहाँ? आपका डिवीजन बेंच जाएंगे, हो सके तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इतना हिम्मत? हिम्मत नहीं, ये सही के लिए लड़ाई है। APSCCE इशू का बात है, अरुणाचल सिविल सर्विस कमीशन जो एग्जाम का बात लेके पूछने जा रहा है अभी। एक बात बताएगा मंत्री जी से पूछना है, एज ए गवर्नमेंट स्पोक पर्सन एक बात बोल के आज बात में अभी आप बोल के देखिए, सिर्फ एक बात बोलते हैं। अच्छा, सिविल सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन का बारे में थोड़ा सा एक कमेंट कीजिए। मामला कोर्ट में है ना? नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ सब ज्यूडिस, सो आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट।